हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईटी गियर पे। आज हम बात करने वाले हैं कस्टम बिल्ड पीसी की, क्या क्या कंपोनेंट्स में यूज होते हैं और क्या कंपोनेंट्स आपको लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा प्रोसेसर, जो कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या काम है और कितने कोर्स या थ्रेड से इसके काम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो आप प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मदरबोर्ड लेना है, चिपसेट और क्रॉस चेक करके फिर आप मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कूलर की। जो आपने प्रोसेसर सेलेक्ट किया है उसको कूल करने के लिए एक अच्छे कूलर की जरूरत है, चाहे वो लिक्विड कूलर हो या चाहे वो एयर कूलर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम की। तो आप जो भी प्रोसेसर यूज कर रहे हो या जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हो वो DDR4 है, DDR5 है, उसके अकॉर्डिंग आप रैम सेलेक्ट कर सकते हो। स्टोरेज के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो आप हार्ड ड्राइव ले सकते हो या आप SSD ले सकते हो। स्पीड के अकॉर्डिंग आपको NVMe SSD बेस्ट होती है, तो आप वो ले सकते हो। एक कस्टम बिल्ड पीसी या आप गेमिंग पीसी बनाते हो या आप जो भी ग्राफिक डिजाइन है कुछ के या एडिटिंग के लिए चाहिए आपको पीसी, तो एक ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले के लिए और आपके काम के लिए, तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो आप ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करते वक्त आप प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड कंपेटिबिलिटी चेक कर लेना, दोनों एक दूसरे को बॉटलनेक ना करें। तो ये सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए एक अच्छे पावर सप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पावर सप्लाई सेलेक्ट करते वक्त अच्छे से ध्यान देना कि जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया है ये पावर सप्लाई उनको पावर इनफ दे सकता है या नहीं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है आपका कंप्यूटर चेसिस। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो एयर फ्लो प्रॉपर है या नहीं, फैंस वगैरह इनफ है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेसिस सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा आप द IT गियर में पिंग कर सकते हो, क्योंकि IT गियर को सब पता होता है।